हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे, आप लोग के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। देखो ना, पहले TCS की तरफ से फाइनली यहां पर जो है रिलीज हो चुका है जॉइनिंग लेटर आना। और यहां पर बता दो फ्रेंड, पहले यहां पर 10-15 मिनट लगते थे, बट अभी जो यहां पर टोटल 17 मंथ लग चुके हैं कैंडिडेट्स के बैच टू ILP एलिजिबल टू जॉइनिंग लेटर। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आज के दिन भी बहुत सारे लोगों के पास TCS के जॉइनर जनरेट हुए हैं। दे आर फ्रॉम 2023 बैच एंड दे आर फ्रॉम निंजा डिजिटल एज वेल। आप लोग इसी पर देख सकते हो, ठीक है। TCS यहाँ पर आप लोग को दिखा दूँ तो फ्रेंड ना, देख सकते हो ILP एलिजिबल, ही गॉट द बेस्ट स्टेटस ऑन 28/8/24/8। ओके, एंड आफ्टर दैट ही गॉट द ILP एलिजिबल ऑन 24/9। ओके, इट्स बीन अगस्त सितंबर। ओके, सो 24 सितंबर। ओके, एंड शेड्यूल्ड गॉट इन 24/4। सी, एंड आफ्टर दैट ही गॉट द जॉइंट जनरेटेड एंड द जॉइंट एक्सेप्टेड एंड द टाइमिंग यू कैन सी दैट ILP eligible to ILP scheduled, it's mean you have ready to join the company and it's taking more than 1 year as well. Okay, see, this is our second candidate who got the joint today only, 22nd April 2024, around 2:19 PM and 3:41. Okay, and then after you can see my screen. This is also get one of my subscriber, and see today many of candidates got their updates and. आपको मैंने सुबह में बताया था वीडियो बना के कि दिस वीक देर इज अ हाई चांस फॉर रिसीविंग द TCS जनरेटर, और आज के दिन में लोग के पास देखने को आएंगे। आज के दिन में कैंडिडेट्स के पास आए हैं और अभी जो है पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। ओके, सो अभी भी पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। आप लोग देखोगे फिर यहाँ पर 2 मई को जो है 6769 कैंडिडेट्स और 8383 16 मई को अपडेट्स हुए हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग जो है वह 16 मई को देखने को आए हैं, जिनके पास भी आज अपडेट्स देखने को मिले हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स पर 16 मई, कुछ लोग के पास 2 मई देखने को आए हैं, बट येस 16 मई के ज्वाइनिंग अभी भी आपके पास आने के चांसेस काफी ज्यादा है। और इस वीक में चांसेस ज्यादा है आपके पास ज्वाइनिंग अपडेट्स आने का TCS टीम की तरफ से। ओके, और ज्यादातर बता दो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जिनके जिन्होंने जिनके पास सर्वे में लाया ही नहीं है, उनके पास ज्वाइनिंग्स आए हैं और कुछ लोग के पास। ओके, तो अभी ये बेनिफिट क्या है जो अभी रिसेंट अप्लाई किया है ना, उनके पास ऐसा डिले देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अदर के पास काफी ज्यादा अपडेट्स देखने को मिलेगा। और TCS स्टार्ट सेंडिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग और 2024 बैच के भी एक दो महीने में आपके पास भी अपडेट्स आना चालू हो जाएंगे। और बेनिफिट्स ये है, अभी जो अप्लाई किए उनके आपके पास अब डिले देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग्स देखने को मिलेंगे जो 2024 बैच के हैं, ठीक है। अब ये 17 मंथ 18 मंथ का टाइमिंग डिले नहीं लगेगा, मोस्ट प्रॉब्ली अब वो जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। आप लोग प्लीज अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, और ज्वाइनिंग सर्वे में आना नहीं आना मैटर नहीं करता, आपके पास ज्वाइनिंग फिर भी देखने को आएंगे। आज के दिन बहुत सारे लोगों के पास देखने का विदाउट सेंडिंग द ज्वाइनिंग सर्वे मेल, तो ये को मैटर नहीं करता। सो आई थिंक आई डिस्कस ऑल द पॉइंट। इसके अलावा कुछ डाउट होता है कमेंट पूछ लेना, और मेरे जय हिंद जय भारत।